हे hey everyone, I आई होप यू are आर डूइंग गुड सो दिस the द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो यू were asking आस्किंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मैम हम घर पर ही स्टेंसिल कैसे बना सकते हैं सो आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस कि आप घर पे स्टेंसिल हर डिज़ाइन का किस तरह से बना सकते हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक टू stencils. वन इज़ दिस वन जिसको हम एक स्टेंसिल से ही ट्रेस करेंगे एंड अनादर वन इज़ with कोट्स तो दोनों ही मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने बनाने हैं सो लेट्स बिगिन द वीडियो सो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कटिंग मैट क्राफ्ट नाइफ और कोई भी स्टेंसिल जिसको आपको कॉपी करना है एंड ये वाला फ़ाइल कवर ये वाला फ़ाइल कवर आता है कुछ सेवन टू टेन रुपीज़ के बीच में हम सबको पता है ये वाला इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करते हैं बिकॉज़ इसका थिकनेस इज़ इस अ वेरी वेरी गुड बहुत मोटा नहीं है बहुत पतला नहीं है ईज़िली ये कट हो जाएगा तो इसीलिए हमें यही वाला फ़ाइल कवर यूज़ करना है राइट right? तो सबसे पहले हम जो स्टेंसिल है उसी का जो शेप है वो ले लेंगे चारों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे इसे सो so, एक बार हमारा स्टेंसिल का शेप कट जाता है फिर हम अपनी क्राफ्ट नाइफ का ब्लेड चेंज करेंगे सो यू कैन सी माई प्रीवियस क्राफ्ट नाइफ ब्लेड इज़ नॉट दैट ग्रेट तो हम बिल्कुल फ्रेश एकदम न्यू क्राफ्ट नाइफ की जो ब्लेड है वो इसमें चेंज करेंगे जब भी हम क्राफ्ट नाइफ़ लेते हैं हमें इसके अंदर अराउंड फोर टू तो फाइव एक्स्ट्रा ब्लेड्स मिलती हैं विच वी कैन ऑलवेज चेंज इट जब भी हम इस टाइप का नीट वर्क करेंगे कट वाला तब वी कैन ऑलवेज टेक अ न्यू ब्लेड तो इसको फिक्स कीजिए इसे टाइट कीजिए एंड देन हम अपना स्टेंसिल अब कट करना स्टार्ट करेंगे सो so, मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला स्टेंसिल एंड इसको ट्रेस करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस मार्कर आप कोई पेन ले सकते हैं बट मार्कर से इजी रहता है क्योंकि वो एक बार लिखने से ही इजीली लिखा जाता है थोड़ा सा पतला वाला मार्कर ट्राई कीजिएगा लेना और इस तरह से हम रोज़ को ट्रेस कर लेंगे रोज़ को ट्रेस करने के बाद मैं अब इसे कट करना स्टार्ट करूँगी अब कटिंग की ये ट्रिक है कि आपको अपनी जो नाइफ़ है नाइफ़ को ज़्यादा नहीं हिलाना है हमको पेपर को हिलाना है ठीक है जैसे मैंने ये सबसे फर्स्ट किया उसके बाद हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे सेम वे साइड में हमें इसे कट करना है ट्रिक बहुत ही ध्यान से आप देखिए हमें पेपर को हिलाना है मतलब हमें ट्रांसपेरेंट जो हमारा पेपर है उसे मूव करना है ब्लेड को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है ठीक है इससे बहुत ही ब्यूटीफुल एजेज एकदम नीट आएंगे आपके स्पेशली बिकॉज़ जब हम गोल वाला एज करते हैं ना वहाँ हमारा स्टेंसिल काम अच्छे से नहीं करता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है इस तरह से देखिए मैं कैसे मूव कर रही हूँ इसे शेप को और फिर जहाँ पर हमारा एज आ जाता है फिर आप ब्लेड उठाइए एंड देन सिर्फ स्टेंसिल को मूव करना है तो देखिए इस तरह से मैंने ये किया सेम वे अब जैसे ये थोड़ा लॉन्ग है इसमें भी यहाँ पर एज हमें देना है यहाँ पर हमें एज को अच्छे से कट करना है और फिर हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे इसको मैं पूरा आपको अच्छे से दिखाऊंगी। हमने इसे किस तरह से कट किया सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेपर को हिलाना है देखिए एंड हाउ इज़ी दिस इज़ इससे आप कितने अमेजिंग और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस अपने आप बना सकते हैं तो हमारा स्टेंसिल हो जाता है रेडी अब हम इसको चेक करेंगे कि ये एक्चुअली अच्छा बना है या नहीं बना है तो इसके लिए मैं एक नॉर्मल कोई भी बेस ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ टेक्सचर पेस्ट दिस टेक्सचर पेस्ट इज़ फ्रॉम क्राफ्ट लॉगर्स काफ़ी अच्छा टेक्सचर पेस्ट है ये उसके बाद हम ट्राई करते हैं और देखते हैं ये हमारा स्टेंसिल कितना सक्सेसफुल बना है वाओ एंड यू कैन सी एकदम करेक्ट एकदम डिट्टो बना है अब हम बनाएंगे हमारा सेकेंड स्टेंसिल सो इसके लिए भी आई एम गोइंग टू टेक दिस फाइल कवर और मैंने ये एक प्रिंट आउट निकाला है आप प्रिंट आउट से भी बहुत अच्छे स्टेंसिल्स बना सकते हैं यू जस्ट हैव टू ट्रेस इट एंड देन वी आर गोइंग टू कट इट तो सबसे पहले तो हम अपना फाइल कवर कट कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा मार्जिन ही रखिएगा उसके बाद हम अपनी प्रिंट आउट को कट कर लेंगे उसके बाद हम इसको स्टिक करेंगे इस तरह से पीछे से टेप से कोई भी आप टेप ले सकते हैं और फिर हम इसे ट्रेस करेंगे ट्रेस करने के लिए आई प्रेफ़र कि मैं मार्कर लूँ बहुत ही पतली निप वाला सो so दैट हम इसे बहुत ही नीटली और एकदम अच्छे से हम इसे ट्रेस कर ले कुछ इस तरह से यू कैन सी ईच एंड एवरी लाइन शुड बी क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल करेक्ट डिज़ाइन आपने ट्रेस करना है बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है वंस इट इज़ डन हम इसे निकाल देंगे और हमारा जो स्टेंसिल है कुछ इस तरह का बेस नज़र आएगा अब हमें इसे करना है कट कट करने के लिए सबसे पहले मैं कटिंग मैट लूँगी और मैंने आपको बताया था कि आपको क्राफ्ट नाइफ लेना है क्राफ्ट नाइफ़ आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल फ्रेश ब्लेड आप डालिए सो दैट आप उसको इजीली कट कर सके और मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरह से कट करना है आपको नाइफ को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है आपको जो स्टेंसिल है उसको मूव करना है सो so, उससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन कट हमारा होता है दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि अगर आप नाइफ़ को ज़्यादा हिलाएंगे काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा जो नाइफ़ है वो हल्का सा भी अगर आगे और पीछे कट गया तो हमारा पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल कि आप नाइफ़ को बिल्कुल प्रेस करके रखिए टाइट एंड देन आप धीरे धीरे स्टेंसिल को इस तरह से मूव कीजिए एंड दिस इज़ हाउ आज स्टेंसिल इज गोइंग टू लुक मैंने काफ़ी अच्छे से इसको कट कर लिया है अब मैं एक बनाती हूँ डी और दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा लगेगा हमारा ये ब्यूटीफुल सा स्टेंसिल तो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस बेस और कोई भी आप कलर्स ले सकते हैं ऑफ योर चॉइस हियर आई एम टेकिंग टू थ्री मिक्स कलर्स ऑफ एक्रेलिक कलर इसको हम थोड़ा सा विंटेज लुक देंगे तो इसमें मैं तीन चार कलर मिक्स कर रही हूँ टील ब्लू है इसमें येलो है वाइट है हल्का सा ग्रीन है तो इस तरह से आप तीन चार चीज़ें कलर मिक्स करके बेस बना सकते हैं सो वंस अ बेस इज कंप्लीटली ड्राइड अब हम इसके ऊपर करेंगे स्टेंसलिंग स्टेंसलिंग के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस वाइट टेक्स्चर पेस्ट फ्रॉम क्राफ्ट लॉगर्स इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई न्यू टेक्स्र पेस्ट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन सो इस तरह से हम ऊपर और नीचे जो भी हमारा स्टेंसिल होता है पहले हम उसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे हमारे बेस पे एंड धीरे से पेंटिंग नाइफ की हेल्प से हमें इसे स्प्रेड करना है अब यहां पर आप स्टेंसलिंग का भी ट्रिक देखिए कि आप पहले थोड़ा सा टेक्स्चर पेस्ट लगाएंगे फिर हमें उसे धीरे धीरे स्प्रेड करना है और जितना भी टेक्सचर पेस्ट है उसको आप ऊपर से निकाल लीजिए सो लेट्स सी कैसा दिखता है एंड वाव सो सो ब्यूटिफुल नोबडी कैन से हमने ये घर पे ही बनाया एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे ही आपका स्टेंसलिंग का काम हो जाता है इमीडिएटली यू हैव टू वॉश इट वॉश इट इन द सेंस यू डोंट हैव टू रब इट और इसको साबुन से अच्छे से धोने की ज़रूरत है नो यू जस्ट हैव टू कीप इट अंडर द वॉटर और जो डैबर है उसकी हेल्प से जितना भी उसके ऊपर टेक्स्चर पेस्ट स्टिक हुआ हुआ है उसको हम निकाल देंगे सो so, इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी इसके ऊपर हम थोड़े से स्प्लैशेज़ वगैरह लगाएंगे थोड़ा और इसको विंटेजी लुक देंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं वाइट स्प्लैशेज़ इसमें करूँगी एंड उसके बाद मैं ब्लैक स्प्लैशेज इसमें लगाऊँगी स्प्लैश भी आपको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है कलर तभी वो ईजिली uh, स्प्लैशेज़ लगते हैं और अगर ज़्यादा मोटा स्प्लैश आ जाए तो आप उसको हमेशा हटा सकते हैं नो प्रॉब्लम विद दैट एंड इस तरह से ब्लैक एंड वाइट मैंने स्लैशेज़ लगा दिए हैं देन आई एम गोइंग टू टेक दिस गोल्डन मार्कर आप कोई भी कलर ले सकते हैं आई एम टेकिंग गोल्ड कलर हेयर और ये मार्कर है तो मार्कर से और ज़्यादा इजीली और नीटली हमारे एजेस बन जाते हैं तो इस तरह से मैं बॉर्डर को भी गोल्ड कलर कर दूँगी साइड में भी हम गोल्ड कलर कर देंगे एंड देन यू कैन सी दिस कम्प्लीट पीस इज गोइंग टू लुक सो सो ब्यूटिफुल एंड इसी तरह से आप अपने घर पे अलग अलग डिज़ाइन के स्टेंसल्स बना सकते हैं और अगर आप ये स्टेंसिल ट्राई करोगे तो मुझे डेफिनेटली बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी और मुझे शेयर करना पिक्चर्स आपने क्या क्या चीज़ों के इस्टेंसल्स बनाए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रिंग बेल ज़रूर बचाएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय